जय हिंद साथियों, आप सभी का श्री गणेश अकेडमी में जोरदार स्वागत है। आज आपके लिए न्यू चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, माधिका। माधिका हाई स्कूल में यह 4 अंक का प्रतिवर्ष पूछा जाता है और माधिका के बारे में यदि आप समझ लेते हैं विधिवत तो कोई भी प्रश्न आप हल कर सकते हैं। इसके लिए है वर्गीकृत आंकड़ों का, पहले जैसा नाम है उसके बारे में जान लीजिए, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। तो वर्गीकृत का मतलब है जिसमें वर्ग अंतराल हो, जैसे हम उदाहरण देकर बता रहे हैं वर्ग अंतराल, जैसे होता है 5, अगर यहां लिखा है 5 से 0 से 5, 5 से 10, अगर इस तरह सारणी बनी है तो उसको कहते हैं वर्गीकृत। अगर इसमें अंतराल नहीं है तो अवर्गीकृत हो जाता है, जैसे 10, 15, 20, अगर इस तरह लिखा है तो हो जाता है वर्गीकृत। ये क्या है? वर्गीकृत है। और ये क्या है? अवर्गीकृत है। किसका निकालना है? वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। दो शब्द है इसमें भी, माध्यक चाहे कहा जाए चाहे माध्यिका कहा जाए, दोनों एक ही है। आपके पेपर में आ सकता है माध्यक ज्ञात कीजिए या आ सकता है माध्यिका ज्ञात कीजिए, तो आप कंफ्यूज मत होना। अब इसी का निकालना है माध्यक, मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। मीडियन अंग्रेजी शब्द है माध्यक ज्ञात करने के लिए, या 4 अंक का बार बार पूछा जाता है। सूत्र मैंने लिखा है माध्यिका ज्ञात करने के लिए, अगर ये सूत्र आपको याद होना चाहिए, L1 + L2 - L1 अपान स्मॉल लेटर या ब्रेकेट में है N/2 - कैपिटल लेटर या, दो प्रकार के F है, दोनों का मैं अर्थ बता रहा हूं कि क्या होता है, कहां क्या लिखा जाता है। L1 का मतलब हुआ माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब यहां समझ लीजिए फिर, जैसे 10 से 15 लिखा गया है, 10 से 15 तो ये वर्गीकृत है, 10 से 15 लिखा गया है, तो निम्न सीमा 10 को कहते हैं, उच्च सीमा 15 को कहते हैं। मतलब छोटी गिनती निम्न कहलाती है, बड़ी गिनती उच्च कहलाती है। तो ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, याद रखना इसको। पहला है L1 का मतलब हो गया माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 का मतलब हो गया माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, या स्मॉल लेटर का मतलब है माध्यिका वर्ग की बारंबारता, N का मतलब है बारंबारताओं का योग, कैपिटल लेटर का मतलब है माध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। और एक जहां ये सूत्र से आप लगाएंगे, और एक सूत्र और है या करके है, चाहे ये सूत्र का प्रयोग करेंगे तो मित्र मैं आपको बता दे रहा हूं, दोनों सूत्र को मैंने लिख दिया है माध्यिका, अगर ये सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं L। अब यहाँ L लिखा गया है स्मॉल लेटर का मतलब निम्न वर्ग ही लिखा जाएगा, प्लस N/2 वही मतलब बारंबारता का योग का आधा हो जाएगा, -CF लिखा गया है इसका होता है माध्यिका वर्ग के ठीक पहले माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता, अपान स्मॉल लेटर या मतलब माध्यिका वर्ग की बारंबारता, H का मतलब है अमाप। एक नंबर का सांख्यिकी में बार बार पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आता है कि इसका वर्ग अमाप बताइए, वर्ग अमाप। यह एक नंबर का बार बार पूछा जाता है, जैसे 10 से 15 लिख दिया गया, पूछा जाता है इस सारणी का या वर्ग अंतराल का वर्ग अमाप कितना है, तो बच्चे नहीं बता पाते हैं जो नहीं क्लास अटेंड किए हैं। वर्ग अमाप का मतलब है यहाँ हाइट दिया गया है, हाइट, और इन दोनों निम्न सीमा और उच्च सीमा के बीच में कितने का अंतर है, 10 और 15 के बीच में 5 का अंतर है, मतलब उच्च सीमा से निम्न सीमा को घटा लीजिए कितना आएगा, 5, तो वर्ग अमाप कितना हुआ, 5। ये एक नंबर का पूछा जाता है कि वर्ग अमाप कितना है, याद रखना एक नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बार बार पूछा जाता है, तो इसका वर्ग अमाप कितना होगा, 5 होगा। ये दोनों सूत्र आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, ये माध्यिका ज्ञात करने का, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करने के लिए इन दोनों सूत्रों में से किसी एक सूत्र का प्रयोग करके आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। अब हम अपने सवाल पर आते हैं, निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, बारंबारता है 6, 9, 12, 8, 15। अब इसी से आपको सारणी आपको पेपर में रहेगा और इसी से आपको माध्यिका निकालना है, बताना है, तो हम हल करते हैं।
पहला कॉलम बनेगा वर्ग अंतराल, दूसरा कॉलम बनेगा बारंबारता। ये दो आपके पेपर में दिया रहेगा। तीसरा अपने आप हमको बनाना पड़ेगा, मतलब आपको बनाना पड़ेगा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब आपको यही ध्यान देना है कि संचयी बारंबारता कैसे बनता है। अब वर्ग अंतराल कितना है, शून्य से दस, दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालीस, चालीस से पचास। ये आपके किताब में दिया है या आपके पेपर क्वेश्चन पेपर में अंकित रहेगा, इतना आप बना लेंगे। अब बारह माता जैसे दिया गया है तो उतार दीजिए, छ नौ बारह आठ पंद्रह। थोड़ा बारह बारता वर्ग अंतराल के सिद्धांत में लिखेंगे, आपको चेक करने में लगाने में दिक्कत नहीं होगा। और बारह बारता को ही संख्या कहते हैं, कभी कभी संख्या दिया रहता है, संख्या दिया गया है। अब संचयी बारह बारता कैसे बनाएंगे, संचयी बारह बारता बनाने के लिए एक सूत्र है, ध्यान देना। संचयी बारह बारता जो बनाएंगे, पहले जो बारह बारता है पहला, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब पहले पद बारंबारता और संचयी बारंबारता दोनों बराबर होते हैं। तो बारंबारता कितना है, छह है, तो संचयी बारंबारता भी इसका छह होगा। पहले दूसरे वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता क्या होगी, अब इसी में जोड़ते जाइए। दूसरा पद कितना है, नौ, पहला पद कितना था, छह, छह और नौ जोड़ दीजिए, नौ छह पंद्रह हो जाएगा। तो दूसरे पद की संचयी बारंबारता पंद्रह हुआ। तीसरा, अब पंद्रह में बारह जोड़ेंगे, अब यहां पंद्रह है, पंद्रह में बारह जोड़ दीजिए, पंद्रह बारह सत्ताईस, यहां सत्ताईस लिखिए। चौथे पद का क्या होगा, अब सत्ताईस में आठ जोड़िए, सत्ताईस आठ पैंतीस, पैंतीस और पंद्रह जोड़िए, अब पैंतीस में एक पंद्रह जोड़ेंगे, पचास। फिर से ध्यान दीजिए, समझ लीजिए कैसे बनाया गया संचयी बारंबारता। पहले पद की बारंबारता और संचयी बारंबारता में कोई अंतर नहीं होता है, ज्यों का त्यों लिख दिया जाता है। दूसरे पद की संचयी बारंबारता, दूसरा पद का बारंबारता और ऊपर की जो बारंबारता है, दोनों को जोड़ करके लिख दिया जाता है। जैसे छह और नौ जोड़ दिया गया, पंद्रह हुआ। अब यहाँ संचयी बारंबारता देखते रहिए, पंद्रह हुआ है। तीसरे पद में जब हमको बनाना होगा, तीसरे पद की बारंबारता बारह है और दूसरा पद यहाँ कितना आया था, पंद्रह, पंद्रह बारह जोड़ दीजिए, सत्ताईस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए चौथे पद में, चौथा पद की बारंबारता कितना है, आठ है, आठ और तीसरे पद की संचयी बारंबारता जो आया था सत्ताईस में आठ जोड़िए, पैंतीस हुआ। इसी तरह से अंतिम में देख रहे हैं कितना है बारंबारता, पंद्रह है, तो संचयी बारंबारता चौथा पद पैंतीस था, पैंतीस में पंद्रह जोड़ा गया तो पचास हुआ। अब आपका प्रश्न संचयी बारंबारता सही है कि गलत, इसके लिए हम बता रहे हैं। यन बराबर यहां लिखा जाता है, यन बराबर बारंबारता का योग, तो अब इसको जोड़िए, बारंबारता का योग और अंतिम संचयी बारंबारता दोनों बराबर होना चाहिए। नौ छह पंद्रह, पंद्रह दो सत्रह, सत्रह आठ पच्चीस, पच्चीस पांच तीस, तीस की शून्य हाथ से लगा दो, दो एक तीन, तीन एक चार, नहीं, नौ छह पंद्रह, दो सत्रह, सत्रह आठ पच्चीस, पच्चीस पांच तीस की शून्य हाथ से लगा तीन, तीन एक चार एक पांच, यन बराबर पचास आया। अर्थात बारंबारता का योग और संचयी बारंबारता के अंतिम संचयी बारंबारता दोनों बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा संचयी बारंबारता अब सही है। अब हमको सूत्र में रखना है माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर, माध्यिका का सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल लेटर या ब्रैकेट के अंदर N बाय 2 माइनस कैपिटल लेटर या ब्रैकेट क्लोज। अब इसी सूत्र में आपको रखना है हर चीज का, मैंने मतलब पहले ही बता दिया था L1 क्या है, फिर बता रहे हैं आपको। देखिए अब बारंबारता का योग कितना आया है, 50, तो बारंबारता का जब आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 25, L बाय 2 अगर आप करेंगे, L बाय 2 कितना हो जाएगा, 50 बटे 2 करेंगे 25 आ जाएगा, 25 आया। अब 25 को आपको देखना है
कि 25, अब यह ध्यान देना है कि 25 जो है किस संचयी बारंबारता में आ रहा है। जैसे अब यहां देखा जाता है 25 कहां है, 27 देख रहे हैं ना, मतलब 25 जो है 15 से बड़ा है और 27 से छोटा है, तो बड़ा होना चाहिए छोटा नहीं, किस संचयी बारंबारता वर्ग में आ रहा है, 27 के, तो इसको ऐसे गोला लगा देना ऐसे। एक तीसरा पद है 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो कहने का मतलब हुआ माध्यिका वर्ग कितना हुआ, माध्यिका वर्ग कितना हुआ 20 से 30 हुआ। अब माध्यिका वर्ग हमने पता हो गया, बारंबारता पता हो गया और संचयी बारंबारता पता हो गया। अब इसी सूत्र में रखना है L1 बराबर कितना है माध्यिका का हो जाता है, स्टार्ट का अंग्रेजी में या E लिखते हैं, नोट करते हैं मीडियन माध्यिका बराबर। अब L1 का मतलब हुआ वर्ग अंतराल की निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितना है 20 है, 20 लिख दीजिए। प्लस L2 उच्च सीमा, वर्ग अंतराल की उच्च सीमा 30 है, 30 लिखिए। ऋण L1 वही 20 है, 20 लिख दीजिए। बटे या मतलब बारंबारता कितना है, बारंबारता इसका कितना है वर्ग, इस माध्यिका वर्ग का बारंबारता, ये माध्यिका वर्ग है इसकी बारंबारता 12 है, 12 लिखिए। अब बहुत यहां अगर मान आप रखने में गलत कर गए तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। यह का मतलब है वर्ग अंतराल की बारंबारता, यही वर्ग अंतराल की सिद्धांत जो लाइन खींचा गया है इसी में आपको देखना है, ये है n/2 बारंबारता का योग का आधा, तो बारंबारता का योग कितना आया है 50, 50 का आधा करेंगे 25 हो जाएगा, अर्थात हम लिख दे रहे हैं 50/2 ऋण। अब यह कैपिटल लेटर है, इसका क्या मतलब है, माध्यिका वर्ग के पहले की माध्यिका वर्ग, माध्यिका वर्ग वर्ग अंतराल कितना है इसका, माध्यिका वर्ग 20 से 30 हुआ है, इसके पहले का वर्ग अंतराल 20 से 30 हुआ है, क्या है 10 से 20, इसकी संचयी बारंबारता 15 है, ये लिया जाए, यही है कैपिटल लेटर एफ। कैपिटल लेटर एफ का मतलब है, या इसे कहा जाता है संचयी बारंबारता से पहले की संचयी बारंबारता, चाहे इस तरह कह लीजिए 15 हो गया। अब इसी को सरल कर लीजिए, अगर आप गणित संचालन करना जानते हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग कहां पर कौन सा पद पहले हल किया जाता है, बिल्कुल आपका माध्यिका सरल हो गया है। अब 20 धन, अब 30 में से 20 घटाएंगे 10 आएगा, 10/12, अब गुणे ये हो जाएगा 25, 50 में 2 से भाग देंगे 25, 25 में 15 घटाएंगे 10, अब हल कर लीजिए 2 × 6 = 12, 2 × 5 = 10, फिर 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10, अब यहाँ 5 × 6 = 25, यहाँ 20 धन, ये हो गया 5 × 6 = 25/3, अब 25 में 3 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 धन, अब 3 × 8 = 24, 8 × 10 = 10 हुआ, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, दशमलव के 2 स्थान तक लिया जाता है। अब यहाँ दशमलव के 2 स्थान तक कितना आया 25 है, 25 में 3 से भाग दिया गया 8.33, अब 20 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 20 × 8 = 28, 28.33, इसकी माध्यिका कितना आया 28.33। मित्र यही आपका पूरा सवाल है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।